हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टर्मिनल। जागो ग्राहक जागो, ये एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जो हम टीवी पर देखते हैं, जिसमें बताया जाता है कंज्यूमर्स या बायर्स को कि वो जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करें तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लें, जैसे कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके MRP क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि गवर्नमेंट को कंज्यूमर्स को अवेयर करने की क्यों ज़रूरत पड़ी और गवर्नमेंट ने कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि आज हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हम कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है। दूसरा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर मूवमेंट, और उसके बाद हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लगाया गया, उसके क्या क्या फ़ायदे हुए कंज्यूमर्स को। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे सबसे पहला मेथड होता है हाई प्राइसेस। जो सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पर सेल करते हैं, जिससे कि पुअर पीपल जो होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जैसे कि हम रूरल एरियाज़ में देखते हैं, जहाँ पर ज़्यादा सेलर्स नहीं होते हैं, ज़्यादा शॉप्स नहीं होती, वहाँ पर ये ज़्यादा सीनरी देखने को मिलता है कि वहाँ के जो सेलर होते हैं वो लोगों को हाई प्राइसेस पर चीज़ देते हैं, और अगर वो मना करें तो अगर वो कुछ कॉशन करते हैं बायर्स तो कहते हैं कहीं और से जाकर ले लो। तो ये एक प्रॉब्लम होती है रूरल एरियाज़ में कि वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। दूसरा जो होता है अंडरवेट मेजरमेंट, कि जो डिसऑनेस्ट सेलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को अंडरवेट मेजर करते हैं। सपोज़ कि मुझे 1 किलो चीज़ चाहिए, तो अगर मैं किसी डिसऑनेस्ट सेलर के पास जाती हूँ तो वो क्या करेगा, उसमें से 900 ग्राम मुझे चीज़ दे देगा और पैसे जो होगा वो पूरे 1 kg चीज़ की लेगा। तो अंडरवेट मेजरमेंट होता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयट करने का एक तरीका। इसके बाद आता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, जो अगर कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिक रहा है, उसकी बिक्री अच्छी हो रही है, उसकी अच्छी इमेज है, तो लोकल प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो सेम प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसके नाम से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी जो होती है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट के बराबर नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन जो बायर जो होते हैं, जो कंज्यूमर्स जो होते हैं, उन्हें इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें कई बार पर्सनल डैमेजेस होता है, उनकी सेफ्टी को डैमेजेस होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है डुप्लीकेट्स प्रोडक्ट्स की, कि ये जो होते हैं जो हेल्थ के हिसाब से सही नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इनके जो प्राइसेस जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, और जो कंज्यूमर्स जो होते हैं उससे चीट करते हैं। इसके बाद है नो कैश मेमोज, जो सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ें तो बेचते हैं लेकिन साथ में रिसीट नहीं देते हैं किसी भी गुड्स को परचेस करने की। तो इसकी जो लॉस है इसका ये है कि अगर कल को किसी प्रोडक्ट से हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोर्ट में ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे बिना रिसीट के कि ये प्रोडक्ट उस कंपनी का है, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है, या फिर उस पर्टिकुलर सेलर की वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है। तो हम ये प्रूफ नहीं कर सकते बिना कैश रिसीट के, कैश मेमोज के। तो ये सारे मेथड होते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के। अब आता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए क्या किया गया। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट चलाए गए, जो कि 1960 से शुरू हुए, 1980s में इंडिया में ख़त्म हुए। तो कंज्यूमर मूवमेंट्स के हमसे में क्या होता था कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी, कंज्यूमर मूवमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी, वो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखती थी न्यूज़पेपर्स में, एग्जीबिशंस होल्ड करती थी, जिससे कि कंज्यूमर्स जो है वो अपने राइट्स के लिए अवेयर हों, अपने सेफ्टी के लिए अवेयर हों। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, कंज्यूमर्स जो थे उन्हें अपने राइट्स पता चले, और जो सेलर्स जो थे, जो प्रोड्यूसर्स जो थे, उनके ऊपर भी एक प्रेशर बना कि वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचें, अच्छे ढंग से मेजरमेंट करें चीज़ों का, और ज़्यादा चीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके जो काम है वो आगे जाके पनिश हो सकते हैं। इसके बाद जो कंज्यूमर मूवमेंट्स जो थे,
वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से अप्रिशिएट हुए। और आज हमारे इंडिया में 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, जिनमें से 20 और 25 बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कंज्यूमर्स को उनका हक दिलाने के लिए। अब आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसे कोपरा एक्ट भी बोलते हैं। इस यह जो एक्ट था वो सभी गुड्स और सर्विसेज पर अप्लाई होता था, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करती हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर की हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से हो या फिर सर्विस सेक्टर से। जितने भी हम गुड्स और सर्विसेज हम यूज़ करते हैं वो सब 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 की सब इस कोपरा एक्ट में अप्लाई की गई, सभी की सबको उनमें शामिल किया गया कि अगर किसी भी चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोपरा एक्ट की हेल्प से उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।